आप म्यूट करें सर। बोलो दादा। हाँ हाँ तुम क्यों मेरे को म्यूट कर देता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम क्यों मेरे को म्यूट कर देता है। चलिए सो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग वैक्सेस, है कि नहीं। तो उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ वैक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसलिए उसमें अलग अलग तरीके का कंपाउंड होगा, ओके। तो इसीलिए एक एग्जांपल अब हम लोग क्या करेंगे, बीज वैक्स। तो बीज वैक्स में क्या क्या है बताओ, बताइए। तो बीज वैक्स में दो तीन तरह का मिक्सचर होता है वो। तो एक होता है पर हेक्साकोजोनॉल, ओके। सो हेक्साकोजोनॉल, ओके। तो हेक्साकोजोनॉल, तो व्हाट इज हेक्साकोजोनॉल, C26 अल्कोहल। हेक्स मतलब सिक्स, आइकॉस मतलब 20, ओके। इसलिए उसको हेक्साकोजोनॉल बोलते हैं, प्लस पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड क्या है, 16:0, है कि नहीं। तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा हेक्साकोजोनॉल पाल्मिटे, ओके। तो ये आपका बीज वैक्स हो गया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा क्या, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, दैट इज ट्राइएकोन्टानॉल। ट्राइएकोन्टानॉल, तो दिस इज व्हाट, ये 30 अल्कोहल। तो 30 अल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एकोन्टानॉल, ट्राइएकोन्टानॉल पाल्मिटे, समझ रहे हो। ये दोनों बीज वैक्स का एग्जांपल है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, ओके। सो दिस, इसको कैसे लिखेंगे बोलो, CH3CH2 कितना, 25 एंड OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH2 14 CH3, है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, तो CH3 CH2 25 C डबल बॉन्ड O CH2 14 CH3, तो दिस इज हेक्साकोजोनॉल पाल्मिटेट। उसी तरह इधर सेम CH3 CH2 29 OH प्लस, इधर हम लोग क्या करेंगे, एसिड बनाएंगे, तो ये है 14 CH3, क्या बन जाएगा, देख रहे हो। एक तरफ CH3 CH2 कितना है, 30 प्लस, उस तरफ क्या है, 16। तो हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा या स्ट्रिक्टली हाइड्रोफोबिक होगा, हाइली हाइड्रोफोबिक, हाइली हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होगा, समझ में आया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बीज वैक्स, ओके। तो बीज वैक्स जो है जनरली, उसका नाम क्यों पड़ा, बिकॉज वो हनी बीज बनाते हैं। तो हनी बीज मेक दिस वैक्स, तो व्हाई डू दे मेक दिस वैक्स, बताइए। तो क्यों इस वैक्स को बनाते हैं, फॉर मेकिंग देयर हाइव। व्हाई दे मेक बीज वैक्स, हाइव को वाटरप्रूफ, तो वो वाटर प्रूफ हो जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा, तो लाइक दैट। तो इसीलिए जो है वो बीज वैक्स यूज होता है, ओके।
तो इसमें आपका जो है ट्राई एक्वेंटर्नल पैल्मिटेट होता है, इवन आपका सेरोटिक एसिड भी हो सकता है. व्हाट इज सेरोटिक एसिड? उसमें C26 एसिड होता है. ओके, तो इसलिए हमने डिस्कस किया था. नाउ तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अल्कोहल है, कौन सा एसिड है, उसका अलग अलग नाम हो सकता है. क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बीज़वैक्स. तो नाउ उसमें हम लोग लिखेंगे, नाउ बीज, ओके, तो बीज यूज दिस वैक्स टू मेक, क्या, टू मेक देयर हाइव्स. ओके, टू मेक देयर हाइव्स. नाउ अब तो वो बारिश बारिश हो सकता है, इसीलिए क्या है, हाइड्रोफोबिक. सपोज आप शादी का पंडाल बना रहे हो, तो अगर देयर इज नो चांस ऑफ रेन, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल कपड़े का पंडाल बना दोगे. बट अगर बरसात के दिन में शादी है तो वाटरप्रूफ कपड़ा लगाना पड़ेगा, आपको पाल्लो डालना पड़ेगा. उसको ओडिया में क्या बोलते हैं, पाल्लो. तो अगर आप पाल्लो नहीं डालोगे तो बरसात में सारे गीले हो जाएंगे. ओके, इंक्लूडिंग योर फूड एंड एटसेट्रा, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बीज़वैक्स. तो बीज़वैक्स जो है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो हम लोग भी उसको कमर्शियली यूज करते हैं, है कि नहीं. तो वी ऑल्सो यूज कमर्शियली बीज़वैक्स. तो क्या करेंगे बोलो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटरप्रूफ. यस, बीज़वैक्स कैंडल. तो हम लोग कैंडल बनाएंगे बीज़वैक्स से, पॉलिश बनाते हैं, शू पॉलिश. ओके, तो उसका आप शू पॉलिश बना सकते हो. ओके, उसके बाद माने यू कैन यूज इट इन सो मेनी प्लेसेस. अब क्या, ठीक है, तो लिप बाम बना सकते हो एंड सो ऑन, बिकॉज वो वैक्स है. तो व्हाट विल वैक्स डू, तो वैक्स एक लेयर अगर बनेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा ना नहीं होगा, नहीं होगा. सो दैट इज द कंसेप्ट. ठीक है जी, सो ये आपका मजा आ गया किस चीज का, बीज़वैक्स का. ठीक है, उसी तरह से तो हम लोग लिख सकते हैं, सो ह्यूमंस यूज दिस वैक्स फॉर मेकिंग शू पॉलिश, लिपस्टिक्स. ओके, शू पॉलिश, लिपस्टिक्स. ओके, विच कैंडल्स, कैंडल्स एटसेट्रा. तो हम लोग क्यों शू पॉलिश लगाते हैं बोलो, हम लोग क्यों शू पॉलिश लगाते हैं, ताकि बरसात में वो गीला ना हो, है कि नहीं. तो अगर आप प्रॉपरली पॉलिश शूज नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, आपका जैसे ही घर आएगा वो जूता पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं, गीला हो गया. तो इसीलिए इन रेनी डेज अगर आप अच्छे से शू पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. उसके बाद जो सेकेंड वैक्स है दैट इज स्पर्मासेटी. तो वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्म वेल्स. तो क्या करेगा, सो इट हेल्प्स इन डाइविंग एंड कमिंग बैक टू द सरफेस. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेसिंग. तो डाइविंग एंड सरफेसिंग में मदद करता है. इट हैज ए स्पर्मासेटी ऑर्गन दैट कन्वर्ट्स लिक्विड टू सॉलिड एंड तो लिक्विड टू सॉलिड क्या होगा, फॉर डाइविंग एंड सॉलिड टू लिक्विड. ये कब होगा, फॉर सरफेस. ओके, फॉर सरफेस.
ठीक है, ये स्पर्मासिटी है। उसके बाद और क्या एग्जांपल्स हैं, थर्ड प्लांट वैक्स को हम लोग सुबेरिन कहते हैं। ओके, तो प्लांट्स में जो वैक्स होता है उसको सुबेरिन कहते हैं। तापरे क्यूटिन ऑफ द क्यूटिकल बाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो वैक्सेस। ठीक है, तो क्यूटिन भी वैक्स होता है। तो अब व्हाई देयर इज अ लेयर ऑफ क्यूटिकल इन द लीफ, के लिए तो एक तो वो पान पत्ते को ट्रांसपिरेशन, एक तो ट्रांसपिरेशन लॉस रोकेगा, दूसरा बरसात में पानी को क्या करेगा, तो पानी को क्या करेगा, पत्ते को वो सड़ने से भी बचाएगा। ओके, अगर वो हाइड्रोफोबिक नहीं होगा तो पत्ता भी सड़ जाएगा ना, सो जस्ट लाइक तो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये क्यूटिन हो गया। तो उसी तरह लैनोलिन, जो हर्षिता जो है उसका खूबसूरती का राज क्या है, लैनोलिन, इसको वूल वैक्स कहा जाता है। सो इट इज यूज्ड टू कीप द स्किन मॉइस्चराइज्ड इन क्या बोलो, इन विंटर। तो जितना भी आपका जो बॉडी मिल्क है, मॉइस्चराइजिंग लोशंस हैं, उस सब में क्या होता है, अगर उसका आप कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें होता है लैनोलिन। लैनोलिन, ओके। मेरे पास एक अभी है, मैं उसको पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ, बट वो काफी छोटा करके रखा, is too small in alphabet size, so I am unable to read it. Okay, तो आप लोग चेक कर लेना। उसी तरह आपका कान में क्या होता है, सेरुमेन, उसको ईयर वैक्स कहते हैं। तो it helps to keep the क्या ear drum elastic. Okay, so helps to hear and balance. तो आपका सेरुमेन जब तक है आपका ईयर ड्रम इलास्टिक रहेगा। ओके, तो आप बोलोगे सर हम लोग झड़ता है, हम लोग निकालते हैं। अरे जब सूख जाता है एंड गंदा हो जाता है वो झड़ जाता है कि नहीं, तो जो लिक्विड ईयर वैक्स है वो ईयर ड्रम को क्या करता है, वो ईयर ड्रम को लाइन करता है, पर उसमें धूल चिपकता है, उसमें कीटाणु चिपकते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे वो खराब हो जाता है, तो बॉडी क्या करता है, बॉडी उसको फेंक देता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका क्या, वैक्सेस। कोई शक? चलिए, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, वी हैव कंप्लीटेड सिंपल लिपिड्स। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, बाकी आप लोगों ने तो प्रॉमिस किया है क्या,